उम्र 70 साल 80 साल हो गई। 80 साल हो गई। आप क्या काम करते हो बाबा? बस जान जब जान थी माल शाल पे पाल के पेट पालते। अच्छा हाँ। तो बच्चे बस मजदूरी नहीं मिलती है, मजदूरी यहाँ कहाँ है? मजदूरी नहीं है ना, कहाँ है मजदूरी? बताते इस वक्त मेरे साथ भडनाड़ इलाके का यहाँ पर एक बुजुर्ग शख्स मौजूद है, 80 साल की उम्र है। तो अभी सरकार से इनको क्या मिला है, अभी ये कौन सा काम कर रहे हैं, तो आप बताओ थोड़ा सा। आप पेंशन साल मिली फिर नहीं मिलती, पेंशन नहीं है, एक 300 रुपया क्या है। तो लेबर कार्ड मिलता है आपके? आपने कहा कि घर में बहुत सारे बंदे हैं, लेबर कार्ड मिलता है, उससे पैसा मिलता है, कुछ मिला है कभी? कुछ नहीं मिला हमें, कुछ नहीं मिला। हाँ, एक वो बूढ़ू का जो पैसा है वो थोड़ा मिल जाता था, अभी वो भी नहीं। बूढ़ू का? हाँ, बस वो भी मिलता, वो मिलता था, अब वो भी नहीं, वो नहीं मिला। तो अभी घर कैसे चलता है आपका? घर कैसे चलता है, बस एक बच्चा मजदूरी करता है, क्या चलता है? बच्चे भी देखो आपने, बच्चा ये है, बच्चे छोटे छोटे हैं, सात बच्चे हैं, सात बच्चे पार हैं। उधर मकान के पीछे खड़ा था ना, वही मकान मेरा टूटा हुआ, टूटा हुआ, हाँ टूटा हुआ, पीछे से उनका मौका करना, पीछे से निकला हुआ है, निकला हुआ है। हाँ, तो कभी किसके पास जाएंगे? उसको देख वापसी में दिखाऊंगा, देखो। कभी सरकार से, कभी जो यहाँ पर एमएलए लोग आते हैं, अफसर लोग आते हैं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मकान। कभी बोला है उनको मुझे ये प्रॉब्लम है? हाँ, तो फिर बोलते ही रहे, बोलते ही रहे, किसी ने माना ही नहीं, किसने माना ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, इसको मकान निकलता मैं जाके इसकी दरख्वास्त भी दी, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बाद में कुपवाड़ा से इधर से चला गया, कुपवाड़ा से उसे मिला, बाद में निकल गया ये मकान, इसको पीछे से चली पत्थर लग गया। अरे भाई आजकल दिया जा रहा है, आपका नाम है कहीं? नाम तो है, तो मिलेगा नहीं, नाम है इनका, नाम रखा है भाई मैं इसका, नाम तो रखा है, काट गए जनाब, काट गए। एक मकान एक पहले लिखा था, वो भी हमको नहीं मिला, वो भी किसी ने काट लिया, काट दिए जनाब, वो काट दिया रास्ते में, वो काट कर दूसरे के नाम लगा दिया। आज का भी मेरे को शक है, नहीं देंगे मेरे को, नाम है, नाम डिलीट किया गया है सर, सुनने में आया है। तो व्यूअर्स, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा इस बाबा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि बहुत सारे बहुत गरीब तबके से वाबस्ता है, इसकी उम्र के इसकी उम्र अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उम्र दराज शख्स है। अभी तक इसका जो IAY है उसको भी काटा गया है, ना कोई पैसा है, ना कोई है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इसकी जिंदगी कैसे चल रही होगी, इसकी इसकी जो मेरे बच्चे बच्चे दिखाऊंगा, सब हालत दिखाऊंगा आपको, मेरे मकान के पीछे खड़ा था, मकान को भी पीछे से देखो, वो भी निकला है। सब लोगों के ऐसी हालात है, सब लोगों के यहाँ सर, अगर जंगल चले जाएगा। इसके कपड़ों की हालत आप अगर थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, तो अभी इसकी एज जो है बहुत ज़्यादा उम्र दराज शख्स हैं। तो यहाँ पर हमारी टीम का यही मकसद रहता है कि इन जैसे लोगों की आवाज़ उठाएं और आप तक ये आवाज़ पहुँचाएं। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये शख्स है, कुपवाड़ा के दूर दराज इलाके वारसुन में रहता है, मगर जैसा कि इसने कहा कि इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लॉकडाउन के बाद इसको जो बुढ़ापे का वो पेंशन है आसरा स्कीम के जरिए मिलता था, आजकल वो भी नहीं मिल पा रहा है, हालांकि इसने बहुत सारे चक्कर भी काटे हैं आपसों के। अब इस उम्र में ये किस ऑफिस में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये सोचने वाली बात है।